क्या आपको पता है कि दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका ने कभी चांद को भी न्यूक्लियर यानी परमाणु बम से उड़ाने की योजना बनाई थी। यह बात भले ही बड़ी अजीब लगे लेकिन ये सच है। बात साल 1958 की है जब अमेरिका ने एक अजीबोगरीब प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। जी हाँ, A-119 प्रोजेक्ट, जिसे स्टडी ऑफ लूनर रिसर्च फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा साल 1958 में विकसित यह एक बड़ी गुप्त योजना थी। इस योजना के तहत पहले चांद पर हाइड्रोजन बम ले जाने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स द्वारा सुझाव दिया गया कि हाइड्रोजन बम का वजन ज्यादा होगा, इसलिए कम वजन का कोई हल्का बम चुनना चाहिए ताकि मिसाइल पर आसानी से ले जाया जा सके। इस सुझाव के बाद तय किया गया कि W-25 नाम का लाइट वेट बम, जो कि 1.7 किलो टन यील्ड का है, योजना के अनुसार इस बम को एक रॉकेट द्वारा चंद्रमा के छिपे हुए हिस्से की तरफ ले जाया जाएगा और वहां इस बम को विस्फोट कराया जाएगा। लेकिन आखिरकार लोगों के नकारात्मक रवैये और दूसरे वैज्ञानिकों के अपने अनुमान और सुझाव के चलते जनवरी 1959 को यह प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया। इसलिए लोगों को डर था कि कहीं चांद पर विस्फोट के फलस्वरूप पृथ्वी खतरे में न पड़ जाए। साल 2000 में राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के लियोनार्ड राफेल के द्वारा यह खुलासा किया गया। उन्होंने 1958 में इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया था। इस प्रोजेक्ट के दस्तावेज लगभग 45 सालों तक सीक्रेट रहे। साथ ही राफेल के खुलासे के बावजूद अमेरिकी सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर हमेशा से ही अपना पल्ला झाड़ते नजर आई है। लेकिन सच तो ये है कि अपनी शक्ति की धौंस जमाने वाले अमेरिका ने हमेशा प्रकृति को नजरअंदाज किया है, चाहे फिर वो कार्बन उत्सर्जन की बात हो या जापान में परमाणु बम के उपयोग की।